हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू चैनल मैथ्स मीन बाय कमलेश अभी मैं सॉल्व करूंगा क्लास नाइन के लिए मैथ्स एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू क्वेश्चन टू एन बुक से चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स क्वेश्चन टू में दिया हुआ इन फिगर इफ ए बी पैरल टू सी डी एंड सी डी पैरल टू ई एफ ए बी पैरल है सी डी के और सी डी पैरल है ई एफ के वाई इज टू जेड ये वाई एंगल और जेड एंगल का रेशियो थ्री इज टू सेवन है ठीक है तो हमको एक्सफाइन करना है तो लिखेंगे गिवेन ए बी पैरल टू सी डी एंड सी डी पैरल टू ई एफ ए बी पैरल टू सी डी और सी डी पैरल टू ई एफ है वाई इज टू जेड इक्वल टू है थ्री इज टू सेवन ठीक है टू फाइंड हमें फाइंड करना है एक्स तो ये एक्स एंगल हमको फाइंड करना है सॉल्यूशन है इसका अब सिंस अब इसमें क्या है ए बी और सी डी पैरल है और सी डी और ई एफ पैरल है तो ए बी पैरल है सी डी के सी डी पैरल है ई e, एफ के इसलिए ए बी ई एफ का भी पैरेलल होगा क्यों होगा इसलिए कि किसी भी लाइन का और भी लाइन अगर पैरेलल हो तो सभी लाइन आपस में पैरेलल होते हैं तो लिखेंगे सिंस ए बी टू सी डी एंड सी डी टू ई एफ हैंस ए बी टू सी डी एंड पैरेलल टू ई एफ मीन्स दैट इज ए बी विल बी पैरल टू ई एफ ए बी भी ई एफ का पैरल हो जाएगा क्यों होगा तो जो भी हम करेंगे उसका रीज़न देंगे तभी हमें फुल मार्क मिलेगा लिखेंगे लाइन्स पैरल टू सिंगल लाइन ये सिंगल लाइन के पैरल है ये दोनों तो लाइन्स पैरल टू सिंगल लाइन आर पैरेल टू ई चर ठीक है अब चूँकि ये ए बी सी डी ई एफ तीनों एक दूसरे के पैरल हो गया तो क्या लिख देंगे एंड सो और इससे क्या मेरा हो गया एक्स इक्वल टू जेड ये एक्स जो है वो जेड के बराबर हो गया क्यों एक्स और जेड कैसा एंगल है ये अल्टरनेट और इंटीरियर एंगल्स है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है जितना भी इसमें दिया हुआ है सभी पैरल लाइन्स के प्रॉपर्टी पर बेस्ट क्वेश्चन है इंटरप्रिटेशन है ठीक है तो एक्स इज्कअल टू जेड इसका रीजन दे, दे देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल ठीक है नाउ अब दूसरा पॉइंट को कर रेज करते हैं सिंस वाई एंगल वाई इज टू एंगल जेड कल टू थ्री इज टू सेवन ये गिवेन है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है तो इससे क्या हुआ जेड है एक्स के बराबर तो इसको हम लिख सकते हैं वाई इज टू एक्स कल टू थ्री इज टू सेवन ठीक है लिख देंगे पुटिंग जेड इक्वल टू एक्स पुटिंग जेड इक्वल टू एक्स यहां डाल दिया अब लेट कॉमन अब ये रेशियो है तो कॉमन रेशियो को हम एक्स मान लेते हैं लेट कॉमन रेशियो बी एक्स है ही दिया हुआ एंगल में इसलिए के मान लेंगे बी के सो वाई इक्वल टू कितना हो गया थ्री के जेड इक्वल टू एक्स है इक्वल टू हो गया सेवन के सेवन है एक्स का तो सेवन के ठीक है अब फिर हम देखते हैं अगेन एक्स प्लस वाई ये एंगल एक्स और वाई ये दोनों मिलकर के कितना होगा वन हंड्रेड होगा क्यों सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स है ये इंटीरियर एंगल है को इंटीरियर एंगल्स को बोलते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स जो होता है वन हंड्रेड डिग्री के बराबर होता है तो लिख देंगे यहाँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री रीजन देंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री ठीक है तो अब एक्स के जगह पर डाल देंगे एक्स कितना है सेवन के है तो यहाँ डाल देंगे सेवन के वाई कितना है थ्री के इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री ये हो गया टेन के सेवन और थ्री वन हंड्रेड एट्टी डिग्री तो इससे के मेरा हो गया वन हंड्रेड एट्टी डिग्री बाई टेन हो जाएगा मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड हो जाएगा तो के इक्वल टू हो गया एटीन डिग्री है ना एटीन टेन जा वन हंड्रेड एट्टी के निकल गया मेरा अब x का वैल्यू हमको फाइंड करना है x कितना है सेवन के है तो लिखेंगे सिंस x इजकल टू सेवन के एक्स इजकल टू सेवन और k का वैल्यू है एटीन तो x इजकल टू सेवेन इंटू एटीन क्या होता है वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री यही इसका आंसर हो गया ठीक है एक्स को हमने सेवन के लिया है तो एक्स डाल दिया सेवन है के का एटीन वैल्यू फाइंड किया है तो एक्स इजकल टू सेवन इंटू एटीन इजकल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी एक्स यही इसका आंसर है अगर अच्छा लगा तो लाइक करें सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स को शेयर करें चैनल को सपोर्ट करें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालें मैं उसका रिप्लाई करूंगा थैंक्स